नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिंह एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने कार्यक्रम विनीता से वार्ता में। और हमारे आज के जो अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो है श्री सोहन लाल कडेल जी। ये यहाँ पर हैदराबाद में जो प्रवासी प्रकोष्ठ है भाजपा का, जिसमें तेलंगाना के अलावा बाकी जितने भी अन्य राज्य हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, जो भी अन्य जो भी राज्य है, वहाँ के जो प्रवासी लोग यहाँ पे अपने तेलंगाना में रहते हैं, उनका एक अलग से प्रवासी प्रकोष्ठ है। उसके ये संयोजक हैं, उसके ये कन्वीनर हैं। और ये काफ़ी समय से, ऐसे तो इनका इंश्योरेंस का बिजनेस है, इंश्योरेंस का काम करते हैं, लेकिन ये काफ़ी समय से, मेरे ख्याल से अडवाणी जी के समय से या शायद उसके भी पहले से, ये भाजपा और संघ के साथ पहले जुड़े हुए हैं। सर, आप संघ के साथ भी जुड़े रहे हैं, तो आज हमारे नव भारत समाचार के स्टूडियो में श्री सोहन लाल कडेल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आने का, मेरा सौभाग्य है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना वार्तालाप का सिलसिला श्री सोहन लाल कडेल जी से। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप बेसिकली आप कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? सर, मैं राजस्थान का एक जिला है चूरू जी, उसके अंतर्गत एक तहसील है सुजानगढ़। ओके। उसके अंतर्गत एक छोटा सा गाँव जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा, राजस्थान में जन्म? राजस्थान में। और मैं ये भी ऐड कर दूं जी, कि मेरा जन्म एक घास फूस की झोंपड़ी में हुआ है। आठवीं क्लास तक मैंने पढ़ाई राजस्थान में की जी। आठवीं पास करने के बाद में मेरा परिवार एम्प्लॉयमेंट के लिए हैदराबाद माइग्रेट हुआ। अच्छा, तो हम लोग, कौन सा ईयर था सर वो, जब आप? मेरे बड़े भाई साहब आए 64 में, 1964 में, 1964 में आप वो आ गए थे, और मैं आया था 1967 में। ओके। तीन साल बाद में मैंने वहाँ 8th क्लास पास करके यहाँ आया। ओके, तो 1967 से आप हैदराबाद में ही हैं? हैदराबाद में जी। तो फिर उसके बाद की शिक्षा आपने 8th तक की तो पढ़ाई चूरू में की, आपने गांव में, अपने गांव के विद्यालय में करी, फिर हैदराबाद आके फिर आपने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा साथ में, या कुछ और काम शुरू किया? मैंने मेरे घर के, मैं अभी भी 50 साल से पुराने शहर में ही है हम लोग जी, और हुसैनालम में अभी भी वहीं है जी। तो वहाँ ही एक राजस्थान हिंदी विद्यालय है, वहाँ मैंने प्रवेश लिया 9th क्लास में जी। और 2 साल मैंने 10th वहाँ से पास किया जी। उसके पश्चात मैंने अग्रवाल जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया और इंटरमीडिएट किया जी। उसके बाद मैं सत्यमा नरसिंह राव मेमोरियल कॉलेज नाम से, एक लेट पी नरसिंह राव जी की पत्नी के नाम से थी, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, और तिलक रोड लॉ कॉलेज से मैंने LLB की। अच्छा, तो आपने लॉ तक की शिक्षा, लॉ तक की शिक्षा ग्रहण की है। और ये भी मैं ऐड कर दूं कि 10th क्लास में पढ़ता था तब मेरे घर में लाइट नहीं थी, मुझे सड़क की लाइट के नीचे बैठकर मैंने 10th क्लास पास किया है। मतलब यहाँ हैदराबाद आने के पश्चात बाद भी वहाँ पे आपके लाइट नहीं थी आपके घर पे, आप स्ट्रीट लाइट में बैठ के आपने पढ़ाई करके लॉ तक की पढ़ाई आपने कंप्लीट करी। और मेरी माँ सुबह 4 बजे मेरे लिए चाय बनाकर देती थी कि बेटा उठ जा, पढ़ने का समय हो गया, वो मुझे चाय का कप देती थी, तो मैं फेंककर उसको लाइट के नीचे में पढ़ता था जी। फिर वकालत की जब पढ़ाई करने के बाद आपने वकालत को अपना पेशा बनाने का नहीं सोचा, आप इंश्योरेंस के फील्ड में फिर कैसे आप आ गए? नहीं, मन में तो बहुत था जी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं वकालत नहीं कर सका। उसी समय मुझे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, वहाँ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब मिल गया। मैंने उसको अपना करियर बनाया, तो मैं 1976 10th दिसंबर को ओरिएंटल इंश्योरेंस ज्वाइन किया, और 15 साल के पश्चात मैंने रिजाइन कर दिया एज ए ब्रांच मैनेजर अपनी ओन कंसल्टेंसी लगाने के लिए। तो मेरी इच्छा थी कि मुझे कहीं ट्रांसफर के लिए यहाँ वहाँ, क्योंकि ये ऑल इंडिया का जॉब था जी। हो सकता है कि भारत के किसी भी कोने में ट्रांसफर हो जाए, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। तो मैंने ऑप्ट किया कि बाहर जाने के बजाय मैं यहाँ नौकरी छोड़कर इंश्योरेंस की ही मेरी कंसल्टेंसी लगाऊं, और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि मेरा पहला क्लेम
भगवान बुद्ध स्टेचू जो आज खड़ा है ये इंस्टॉलेशन के टाइम गिर गया था, उसका इंश्योरेंस था, मेरे पास नहीं था, कहीं और था। वो क्लेम मैंने मेरे प्रयास से ओनर को ला के दिया। वो मेरा पहला क्लेम था कंसल्टेंसी का नौकरी छोड़ने के बाद में। ये स्टैच्यू कहाँ पे था सर? ये भगवान बुद्ध अपने टैंक बंद पे, टैंक बंद का जो वो इश्यू, ये गिर गया था। टैंक बंद पे जो अभी जो हैदराबाद के लोग हैं वो सब जानते होंगे, वहाँ पे जो भगवान बुद्ध की स्टैच्यू है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि वो स्टार्टिंग में गिर चुका था और उसका भी इंश्योरेंस था, फिर इन्होंने इनकी कंसल्टेंसी की वजह से वो इंश्योरेंस का क्लेम करके करोड़ों रुपए का क्लेम था वो। जी, वो आप करके वो लाके मैंने, वो मेरी पहली सक्सेस थी वो। ये तो है आपके इंश्योरेंस की बात सर, पर आप आजकल की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, तो आप ये इंश्योरेंस के काम करते करते लॉ की शिक्षा करी आपने, उसके बाद राजनीति में कैसे आपका प्रवेश हुआ सर? मेरा परिवार राजस्थान से ही जनसंघ का काम करते आया है। मेरे बड़े भाई साहब राजस्थान में जब भी चुनाव आते थे तो पोलिंग एजेंट मेरे बड़े भाई साहब ही देते थे। वो राजस्थान से ही लगा हुआ है उस समय से ही। आप राजनीति से आपका परिवार जुड़ा है। फिर हम लोग 67 में आने के पश्चात में मैंने इमीडिएटली आरएसएस की शाखा ज्वाइन कर ली यहाँ हैदराबाद में। तो मैंने वो शाखा में अटेंड बराबर करता रहा और नया पुल कोई समय में आंध्र प्रदेश जनसंघ का कार्यालय नया पुल जो अफजलगंज भी कहते हैं वहाँ हुआ होता था। छोटा सा एक 4 बेडरूम का ऑफिस होता था मेरे घर के 2 किलोमीटर दूर होता था। तो मैं शाम के समय स्कूल के बाद में जनसंघ के कार्यालय में जाके बैठता था। उतने समय से उस पुराने जमाने से आप जनसंघ के कार्यालय में यहाँ भी जाके बैठा करते थे। फिर राजनीति में, फिर जनसंघ से, फिर कैसे सक्रिय राजनीति में कैसे आपका जनसंघ के ऑफिस में जाते जाते ये भाजपा बन गई थी और चूंकि 76 में मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग गई थी तो मैं राजनीतिक काम नहीं कर सकता था। सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी के कारण मैं कार्य नहीं कर सकता था, तो मैं संघ का काम कंटिन्यू कहा और आपातकाल के समय मुझे नौकरी मिली थी इंश्योरेंस की। चूंकि मैं इन्वॉल्व था आरएसएस की गतिविधियों में तो मुझे कहीं से संदेश मिला कि भी तुम गरीब घर के बच्चे हो, अगर यहाँ राजनीति में जरा भी पकड़े गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। वो मुझे मेरे लिए वो 250 रुपये की सैलरी जो मेरी शुरू हुई, 250 रुपये पर मंथ की मेरी सैलरी लिए मेरी बहुत बड़ी बात थी उस समय में। इसका बहुत ही मुझे साल के 3000 रुपये मिलते थे, आजकल तो बच्चे एक दिन में खर्चा कर लेते हैं। 77 की बात कर रहे हैं सर, इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहे हैं। उसके पश्चात ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मैं 83 में एंटी रामाराव जी से मिला और मिलाने वाले थे उनके बड़े पुत्र जय कृष्णा। तो जब उन्होंने तेलुगु देशम की बातचीत चल रही थी मैंने उनके पुत्र को कहा कि भाई क्या बात है, आप तेलुगु नाम रख रहे हो, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, पिताजी के पास चल। तो जय कृष्णा मुझे एनटी रामाराव जी के पास लग गया और एनटी रामाराव जी को मैंने जब कार्ड दिया इंश्योरेंस का के ओरिएंटल का, वो साथ में कहा कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर खड़े होकर मुझे गले लगाया। मतलब आरएसएस का उस समय इतना मान सम्मान एनटी रामाराव जी के मन में था, उन्होंने मुझे गले लगाया। उस दिन से मैंने एनटी रामाराव जी के साथ में काम किया भारतीय जनता पार्टी की आज्ञा के साथ और उनके अंतिम दिन तक मैं उनके साथ था। एनटी रामाराव जी के साथ रहे, अंतिम मुझे बेटे के साथ ट्रीट करते थे। तेलुगु देशम पार्टी के साथ में आप मिलके काम करते, बट मैं कभी मेंबर नहीं बना। मैं जनसंघ के सदस्य थे, आरएसएस के सदस्य थे, लेकिन फिर भी पार्टी की आज्ञा से, जैसा कि आपका कहना है पार्टी की आज्ञा से, वो तेलुगु देशम पार्टी में एनटी रामाराव जी के साथ में काम करते रहे। मैं काम करते रहा। उसके बाद में जब स्प्लिट हुआ, चंद्रबाबू नायडू अलग निकल गए थे, तो कुछ लोग जो एनटी रामाराव जी के पास थे उसमें से एक मैं था। मैं रोज उनके पास में, जब पावर में हो या नहीं हो, मेरा एक अटैचमेंट था उनके प्रति। और मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं आत्मा से चाहने वाले, तो मैं एनटी रामाराव जी के पास में था। और एनटी रामाराव जी की डेथ के पश्चात
श्रीमती लक्ष्मी पार्वती का उस समय नाम था, तो मैंने अडवाणी जी का आदेश था कि मैं वहीं रहूं। अच्छा। तो सारा मैंने वो थोड़ी व्यवस्था 2-3 महीने उनके पास रखकर सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक कौन आ रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, हम लोग पार्टी का क्या भला हो सकता है, ये काम मैंने करने का आडवाणी जी के आदेश से काम किया है। तो आडवाणी जी के जमाने में आप उस समय से उनके साथ और संघ के साथ भी जुड़े रहे और साथ ही तेलुगु देशम पार्टी का भी काम किया आपने, उसके बाद फिर प्रॉपर भाजपा में फिर कैसे? इसमें एक चीज और भी जी कि जब हमारी संख्या कम थी पार्लियामेंट की जी। तो आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान, उनसे भी मेरा संबंध बहुत घनिष्ठ था। उन्होंने सुबह सुबह टेलीफोन किया कि सोहन तुम रामूजी राव जी पास जाओ जी। मैं बोला मैं उनको जानता भी नहीं, बोला मैं फोन कर दूंगा, उनको जाके कहो कि चंद्रबाबू नायडू पे प्रेशर लगाए कि बीजेपी को सपोर्ट करे। तो ये बात लेकर मैं वाजपेयी जी के पास गया, मुझे बुलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में। सुंदरलाल जी भंडारी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे मध्य प्रदेश के जी। वो मेरा उनसे भी मेरा संबंध था, उन्होंने साथ में वाजपेयी जी के पास लेके गया। तो वाजपेयी जी, मैं, सुंदर जी भंडारी, हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि वाजपेयी जी आप मोबाइल पे, मोबाइल तब मैं किसी और का लेके, मेरे पास नहीं था, हैदराबाद से किसी और बंधु का लेके गया था साथ में। मैंने कहा एक बार चंद्रबाबू नायडू साहब स्वयं बात कीजिए। तो उन्होंने मजाक में क्या बात करेंगे, बहुत मेमला साहब इतने भाषण आपने दिए ना, एक 2 मिनट का भाषण ये फोन पे भी दे दो। तो वो हंसने लग गए, उन्होंने बात की और हमारा काम उस समय नहीं बना, उस समय नहीं बना वो राजी। फिर 2 साल के बाद फिर चुनाव आ गए, उस समय वो राजी नहीं बना, वो नहीं आए साथ में। उसके पश्चात में हमारे पार्टी के ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे कुशाभाऊ जी ठाकरे। कुशाभाऊ जी ठाकरे बहुत संत आदमी थे, मेरा लगातार आना जाना था। उनका एक दिन सुबह सुबह फोन आया कि भाई तुम्हारे दोस्त के पास जाओ। तो मैंने कहा आप किस दोस्त की बात कर रहे हो? अरे चंद्रबाबू नायडू तुम्हारा दोस्त है ना? मैं बोला दोस्त नहीं है, मैं लक्ष्मी पार्वती के पास काम कर रहा था, मुझे तो पता नहीं घर में भी आने देगा नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, तुम बेधड़क मेरे नाम लेके जाओ। तो मैं चंद्रबाबू के पास गया कि सब पार्टी का आदेश आया है आपसे मिलने के लिए और वो चाहते हैं कि साथ में काम करें। तो उन्होंने कहा कि बोले मैं भी चाहता हूँ काम करने का, पर कुछ अड़चनें उन्होंने बताई। तो मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाकर ये अड़चनें तो समाप्त करा दूंगा। तो मैं उनको पूछा मैं आगे बढ़ूं, गो अहेड। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग टिकट नहीं मिल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इलेक्शन की ये 90 आपका जो वाजपेयी जी 13 दिन के लिए थे उसके बाद का है, उसके बाद का है। तो फिर मैंने जो मैसेज चंद्रबाबू नायडू का था वो मैंने उनको कन्वे किया, वो मुझे इमीडिएटली लेकर गए अडवाणी जी के पास में, वो गृह मंत्री थे वहाँ समय, और सारी बात हुई और फिर हमको 8 सीट पार्टी को मिली, हम काम हुआ। उसके पश्चात में उसी समय मोहन बाबू जो आज तेलुगु देशम के टॉप स्टार है, उनसे किसी मित्र के थ्रू मेरा जान पहचान हुई। तो वो चंद्रबाबू नायडू से कुछ नाराज चल रहे थे, तो मैंने ये अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको बीजेपी मिलाने के लिए। उनके साथ मेरी एक साल में 40 मीटिंग हुई, 40 मोहन बाबू के साथ में। अल्टीमेटली मैंने मोहन बाबू को पार्टी के साथ में लगा दिया काम पे, और मोहन बाबू ने 1 महीना अपने सारे शेड्यूल शूटिंग के रद्द करके पूरा आंध्रा में दौरा किया। उस समय बीजेपी को पहली बार 19% वोट मिले और 4 पार्लियामेंट की सीट अपनी ओन ताकत में मिले, तो वो एक अचीवमेंट था। जब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुए थे, जब ये संयुक्त आंध्र प्रदेश हुआ, 19% वोट मिला और हमारी सरकार बनी। उसके बाद में मैं ऐसे काम करते ही रहा आंध्रा में भी बाहर भी। फिर सबसे बड़ी बात आपको ये लगेगी कि 2014 में फिर थोड़ा टसल जैसी हो रही थी तेलुगु देशम बीजेपी में, तो ईश्वर की कृपा मेरे पे हुई कि वो काम करने का भी मुझे ही अवसर मिला।
जी, तो फिर तेलुगु देशम पार्टी में चंद्रबाबू नायडू जी ने आपको कुछ विरोध नहीं किया, आपको कहा नहीं कि आप मेरी पार्टी में मेरे साथ काम कर रहे हो और मोहन बाबू जी को ले जाके आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दिया, फिर आप हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनके पॉलिटिशियन को? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये तो कोई भी पार्टी का हो, मैं एक पार्टी की बात सही सच बात कह रहे हैं, आम जनता के लिए इन चीजों से फर्क होता है, लेकिन आज जो व्यक्ति एक पार्टी में है कल वो कौन सी पार्टी में रहेगा, वो किसी और पार्टी में रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए राजनीति में कहते हैं ना तो कोई परमानेंट शत्रु है और ना ही कोई परमानेंट मित्र है, राजनीति में सब कुछ अवसरों का खेल है, यही सत्य है, सब अवसरों का खेल है, जिसके हाथ जो अवसर लग गया वो उसे ही आगे बढ़ाना चाहता है, उसे ही आगे बढ़ाते हैं, फिर अगर जब सब कुछ अवसरों का ही खेल है सर, तो फिर क्यों कहते हैं कि हम राजनीति सेवा का क्षेत्र है? उसके बारे में मैं अनाड़ी हूँ जरा जी जी, एंड हाँ उसके आगे की रामविलास सिंह पासवान एनडीए में लाने के लिए मैं हैदराबाद से 5 बार दिल्ली गया, तो उनका कहना था कि भाई हम ये तो हिंदू की पार्टी है, आरएसएस की पार्टी है, मैं क्यों आऊँ? तो मैंने कहा कि भाई राम मंदिर की जो शिला रखने का जो कार्यक्रम हुआ है वो तो किसी एक हरिजन भाई के हाथ से हुआ है, तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि हम एंटी हरिजन है, एनडीए है? ये बात उनके समझ भाई, मैं ये नहीं कहता उसका श्रेय मैं पूरा नहीं लेता, परंतु मैं हैदराबाद से 5 बार उनसे मिलने के गया, उस समय मैं वहाँ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गोविंदाचार्य जी थे जी, मैं उनको रिपोर्ट करता था, और मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया, उसका सारा श्रेय मैं नहीं लेता, और भी लोग लगे हुए थे, परंतु एक पत्थर छोटा सा मैंने भी फेंका। मतलब आप तेलंगाना में रहते हुए आपने राजस्थान की राजनीति में भी आपका पहुंच बनी रही, आपके कनेक्ट रामविलास पासवान जी तो बिहार से आते हैं वहाँ पे भी आपके कनेक्ट बने रहे, और महाराष्ट्र में कुशाभाई ठाकरे जी और अन्य लोगों के भी अन्य अन्य स्टेट से आपने जिन जिन के नाम लिए, मतलब आप तेलंगाना में ही रह के ये सब कुछ आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, उसके आगे और गया, ये तो दिल्ली महाराष्ट्र नजदीक एकदम करीब है, पास में है जी। 2013 में आदरणीय राधा सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे जी। तो मैंने स्वयं से उनसे पूछा कि हमारा काम यदि आसाम में नहीं हो रहा है जी, आप इसका उत्तरदायित्व मुझे दीजिए, मैंने पूछा उनसे। अच्छा, आसाम का जी, आसाम में मेरे मित्र थे, तो मैं बोला इसका काम मुझे आप दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कहा रहे कड़ेल जी मैं तो ऐसा कोई आदमी ढूंढ ही रहा था, अच्छा हुआ कि आप आ गए जी। अच्छा, मैं क्या है, एक हमारी संस्था है अखिल भारतीय मारवाड़ युवा मंच जी, मैं उसका दक्षिण में फाउंडर हूँ। ओहो, ओके। आज हमारे पास में उस संस्था के 800 शाखाएं हैं और 300 एम्बुलेंस है, या पूरे भारत में? पूरे भारत में 300 एम्बुलेंस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम चलाते हैं, मैं उस संस्था का भागीदार रहा हूँ। तो मेरे मित्र जो आसाम के थे, मेरे साथ काम करते थे, उनसे मेरा संपर्क था जी। और जब मैंने ये कहा कि असम गण परिषद को मिलाने का काम मैंने लिया जी। तो मैंने ये मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता ही मेरे मस्तिष्क में थे जी। जैसा ही मैं राजदा जी घर से बाहर निकला, पहला फोन मैंने गुवाहाटी किया, अरे भाई मैं ये जिम्मेदारी ले लिया हूँ, आगे क्या करना? तो मेरे मित्र थे आसाम के मिस्टर अनिल जेना, उन्होंने कहा चिंता नहीं, मैं फोन अपॉइंटमेंट लेके आपको बुला लेता हूँ। तो 3 दिन के बाद में उनका फोन है, आप गुवाहाटी आ जाओ जी। तो मैं सीधा राजनाथ सिंह को संपर्क किया कि मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, और मैं सीधा गुवाहाटी पहुँच गया जी। 1-1.5 घंटा हमने आपस में बातचीत की, बातचीत करने के बाद में उनका भी मन बना हुआ था कि बीजेपी के साथ जाना है, तो बोले कि हम साथ में काम करेंगे। तो मैंने नीचे तुरंत बाहर आने के बाद में राजनाथ सिंह को इन्फॉर्म किया कि भाई वो तैयार है, तो उन्होंने कहा सोनलाल जी उनको आप दिल्ली बुला लो। तो मैंने उनको दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया, फिर मैं राजनाथ सिंह जी, प्रफुल्ल जी महंता और मेरे मित्र अनिल जैन, हम चारों 1 घंटा बैठ के आगे किस ढंग से काम करना चाहिए उस पर हमने कार्यरूप प्रारंभ किया। करने के बाद में 2014 का इलेक्शन आ गया था पार्लियामेंट का, उसमें हमारा समझौता नहीं हो सका, उसके बाद में इमीडिएटली विधानसभा का था जी। तो मैंने मेरे प्रयास कंटिन्यू रखे, जितने जितने असम गण परिषद के लोग थे मैं हर किसी से टच में था, और मैं चूंकि इंश्योरेंस का आदमी हूँ, 50 बार फोन करने में मुझे कोई आगे पीछे सोचता नहीं मैं। जी, वो बैकग्राउंड, वो मुझे मुझे यहाँ काम आ गया, मुझे वो काम आ गए। तो मैं जितने भी बड़े लीडर थे सबको 50,000 फोन। अल्टीमेटली देखिए, ये मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, भोलेनाथ की कृपा मानता हूँ,
उनकी कार्यकारिणी मीटिंग में भी मैं हैदराबाद से फोन करके बोलता था कि ये डिसीजन लेना है, उन्होंने वही डिसीजन लिया। तो जब आप इतने सारे मतलब राज्यों से संपर्क में रहे, इतना सारा कुछ लाइजनिंग का काम, विभिन्न अलग पार्टियों को भाजपा के साथ जोड़ने में आपका कई कई बार योगदान रहा, आपने तकरीबन सभी भाजपा के मुख्य नेताओं के साथ आपने काम किया, उनके संपर्क में रहे, तो कभी आपने खुद सक्रिय राजनीति में आके चुनाव लड़ने का ऐसा नहीं सोचा अभी तक? नहीं, ये मैंने जो ये बात कही ना जी, मैं दो बड़े नाम अभी और लेना चाहता हूँ साथ में जी। 97 के आसपास आदरणीय मोदी जी पार्टी के महामंत्री थे जी, और जनरली वो अशोका 11 अशोका रोड जो हेडक्वार्टर था बीजेपी, वहीं बैठते थे जी। और मैं हर माह दिल्ली जाता था मेरे प्रोफेशनल काम के लिए, इंश्योरेंस के लिए। तो मैं एक दिन रिजर्व रखता था बीजेपी के लिए जी। तो दिन भर में पार्टी ऑफिस में कौन है, क्या है, मिलना जुलना वगैरह, दोस्ती बढ़ाना, पहचान बढ़ाना है जी। और मेरा सौभाग्य यह है कि मैं जब भी दिल्ली गया जी, मुझे मोदी जी ही वहां मिले जी। लगभग मैं 15-20 बार उनसे मिला हूं, मोदी साहब से, जब वो महामंत्री थे। उसके पश्चात जब मुख्यमंत्री बने, गुजरात गए, तो मैं निरंतर संपर्क में था उनके जी। हैदराबाद आए तो और मेरे उनसे मेरे जो संबंधी है एक अहमदाबाद में जी, वो संबंधी साहब और मोदी जी एक ही संघ की शाखा में कई वर्षों तक काम किया जी। तो वो मेरा पारिवारिक संबंध जुड़ा अहमदाबाद में, उसमें मोदी जी का भी थोड़ा बहुत खुश उसमें है। तो फिर आपने सक्रिय राजनीति में आके चुनाव लड़ने का कैसे नहीं सोचा अब तक? देखिए, दो बात थी उसमें जी। एक तो मुझे एनटी रामाराव जी ने 1983 में महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफर की जी, कि आप चुनाव लड़ो, ताकि आप लड़िए तेलुगुदेशम की वजह। तो मैं पार्टी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहता था जी। मेरा एक मन में धारणा थी कि मैं चाहे मुझे कुछ मिले या न मिले, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। एक तो वो कारण था। दूसरा, ये भाग दौड़ ये करना, ये मेरे बस की बात नहीं है जी। तीसरी बात है, मैं इतना करोड़पति नहीं हूँ कि लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्चा कर सकता हूँ। चौथी बात यह है कि मैंने मेरे जीवन में इंश्योरेंस में रहकर भी एक रुपया भी मैंने किसी का कोई लिया नहीं है जी। और काम पैसे का काम तो पैसे से होता जी। और मैं लोगों से चंदा मांग के चुनाव लड़ता नहीं, मेरी आकांक्षा नहीं है। मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई कुछ मिला नहीं मिला इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात है, मैं एक तो सनातन का काम कर रहा हूँ, उसकी मुझे संतोष है जी। दूसरा, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, मेरी मातृभूमि मेरे लिए माँ से बढ़कर है जी। वो मेरी धारणा है, वो कल भी थी, आज भी है, और मेरे आने वाली संतान को भी रहेंगी जी। फिर मोदी जी से मेरा इतना अच्छा संपर्क हुआ, और जो जो मैंने काम आसाम का किया, मैं हर चीज टेलीफोन से मोदी जी को बताता था कि मोदी जी आज ये काम है, मोदी जी आज ये काम है। मोदी जी आज भी अगर कोई हैदराबाद का गए गलती से नाम भी ले ले तो बोलेंगे बात करा, इतना मोदी जी का मुझे प्यार मिला है। और वो ऐसा शख्स है, किसी को भूलता नहीं, ये उनकी खास। आपको आश्चर्य होगा, आसाम के कुछ लोग मोदी जी से मिले थे, उन्होंने मेरा नाम उनके सामने राज्यसभा के लिए रखा। आसाम के लोग, बीजेपी के नहीं, एजीपी के, असम गणी परिषद के लोग, उनका आवाज मुझे फीडबैक आया कि हम आज मोदी जी से मिले और आपका नाम रखे और मोदी जी आपको बहुत याद किए। मेरे लिए वो मोदी जी याद किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए राज्यसभा से और मंत्री से बढ़कर बात है वो जी। आज ऐसा मैं उसको भगवान मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से जी। आज मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी मेरी शक्ति ताकत और कुछ नहीं हो सकती। पर आपके पास तो ऑलरेडी काफी शक्ति भी है, पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि अपने तेलंगाना में ही करीब 25 लाख लोग, तो कम से कम 25 लाख तो नहीं, उसके पीछे और दो चीज मैं और बता दूं, बाहर के अन्य राज्यों से आए हुए लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं अभी यहाँ पर, उनमें कम से कम 25 लाख लोग तो होंगे आराम से। सर, विजय शांति जी को और डॉक्टर विवेक जी को भी भाजपा में लाने का में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बताइए कि वो कैसे हुआ, ये कैसे आपने किया? और राधा सिंह जी का फोन था कि भाई विजय शांति को क्यों नहीं बीजेपी में लाया जाए जी। कोई समय में वो बीजेपी के साथ थी जी, उसके बाद मैं टीआरएस में गई, टीआरएस में 2009 से 2014 तक चुनाव वो लोकसभा में रही है जी। उसके पश्चात कांग्रेस में गई जी। और फिर मैं जैसा बताया कि इंश्योरेंस का आदमी हूँ, थकता नहीं, उसे संपर्क करते गया, घर में मीटिंगें होती गई जी।
अल्टीमेटली उन्होंने निर्णय किया जी। तो हम लोग दिल्ली गए, नड्डा जी के साथ में एक घंटा बैठे जी। और दूसरे हमारे यहाँ के सारे लीडर सभी लोग थे, चाहे वो इंद्र सेन रेड्डी जी हो, किशन रेड्डी जी हो, बंधुर दत्ता जी, सारे लोग थे। हम लोग बैठ कर उनके साथ में मीटिंग की, तो मैं हर जगह उपस्थित था। तो कभी कभी लगता है कि ये राजस्थानी बंधु यहाँ तक कैसा पहुंच गया, ये कभी कभी लोगों को आश्चर्य होता है, निश्चित होता है। जबकि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तेलुगु बोलना नहीं आता, अभी तक आपने सीखा नहीं। वो पुराने शहर में तो तेलुगु वाला भी तेलुगु भूल जाता हुआ तो वो उर्दू का इतना उर्दू हिंदू का जो इन्फ्लुएंस है वो हो गया। और ऐसा ही विवेक जी के घर में भी मेरी कम से कम 40 मीटिंग हुई है, कम से कम, कि भाई आपका फ्यूचर यहाँ क्या है, यहाँ क्या पूरा मैंने कंपेरेटिव प्रोफेशनली बनाया कि आप यहाँ रहे तो क्या फायदा है, बाहर रहे तो क्या फायदा है, कांग्रेस में क्या। अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल गो विद द बीजेपी, फिर मैंने वो बीजेपी का सारा काम किया। उस समय चुनाव में वो वापस से चले गए। आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास में रात में 11-11 बजे तक अमित जी शाह का फोन आता था कि कड़ेल आज का प्रोग्रेस क्या है, कि वो समय पार्टी के अध्यक्ष थे। तो एक बार तो 11:30 बजे अमित जी का फोन है, अमित जी शाह का, कि भाई क्या हुआ। मैं बोला साहब मैंने सारा हो गया, मैं भिजा दिया हूँ आपको। तो ये मुझे अवसर काम वहाँ तक अमित जी शाह के साथ काम करने का मौका मिला है। और अभी तो आप पूरे जो भी प्रवासी लोग यहाँ पर रह रहे हैं तेलंगाना के अलावा, बाकी के स्टेट से जो भी प्रवासी लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं, तेलंगाना में करीब 25 लाख की तादाद होगी, उनकी कम तो नहीं है। उनका एक अलग प्रकोष्ठ है जिसके एक को कन्वीनर बनाया गया, तो सर कैसा माहौल लग रहा है, उनका वोट, उनका सपोर्ट, उनका मूड कैसा लग रहा है? 100% जी उनके मत जी बीजेपी को मिलने वाले हैं, ऐसी मेरी संभावना है। क्या उनमें से सभी वो 25 लाख लोगों का वोटर आईडी कार्ड तेलंगाना का ही नहीं है? नहीं, इसमें आपका कहना सही है जी। कुछ लोग जो श्रमिक है जी, वो टेम्पररी काम करने के लिए आते हैं, फिर गांव चले जाते हैं, उनका वहाँ है। ये 25 लाख में से 25 लाख शायद न हो जी, कुछ लोग वहाँ हो, अब राजस्थान से भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, राजस्थान से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वोटर लिस्ट में राजस्थान में नाम है, परंतु वो लोग वहाँ पर जाकर भी वोट करेंगे तो बीजेपी को करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही करेंगे। तो ये अब मैं, मेरा ये 1.5-2 महीने से मैं ये जो देख रहा हूँ, और मैं लगभग सभी प्रांतों के, हमने कोशिश की है कि टॉप लोग उनके जो है, जो समाज में जिनको गणमान्य कहते हैं, ऐसे पूरे 16 स्टेट की कमेटी बनी हुई है, और तो वो लोग सारे मीटिंग में आते हैं और अपने अपने एरिया में सारे लोग काम करते हैं जी। तो और हमारे बिना के काम करते हैं, सभी लोग भाजपा के, सब लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका तो वोट एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अभी आपको तेलंगाना में खासकर कैसा माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तेलंगाना से कितनी सीट निकल पाएंगी 17 में से? मेरा ऐसा अनुमान है कि तेलंगाना की जनता ने, विशेषकर मातृशक्ति ने, नारी शक्ति ने ये निर्णय कर लिया है कि हम बीजेपी की झोली में 12 सीट तो रखेंगे ही रखेंगे। मतलब 17 में से 12 सीट तो हमको आएंगे ही, भाजपा के पास आ जाने वाली है, ऐसा जनता ने डिसाइड कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप सभी क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आप प्रचार के उसमें भाग भी ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि इतनी सीट्स आ जाएंगी इस बार? मुझे पिछले सप्ताह जोधपुर से शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री, कांटेक्ट कर रहे हैं, वहां से बुलावा आया एक दिन कंपनी के लिए, तो मैं पिछले हफ्ते एक दिन कंपनी के लिए जोधपुर जाके आया। मतलब पूरे भारत में तो कर ही रहे हैं, पर तेलंगाना में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि पूरे जो प्रवासी जो अपने लोग हैं उनको एक एक मुश्त तो उनका वोट, जितने लोगों का भी वोट तेलंगाना में है, एक मुश्त उनका वोट और सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिले। पर ऐसा तो नहीं है सर कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को हमने, जो हम लोग जाते हैं लोगों के साथ मिलते हैं या पब्लिक में हम लोग भी जाते रहते, तो उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ लोग BRS को भी सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग इस वक्त कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे वापस अपने भाजपा की तरफ आप उनको लाने वाले हैं या कोशिश करने वाले हैं? मेरी ऐसी धारणा है जी कि जैसे ही वो लोग पुलिंग बूथ पे एंटर करेंगे जी और मशीन सामने दिखेंगी जी, तो उस मशीन में उनको भगवान श्री राम का मंदिर दिखाई देगा जी। तो आप कह रहे हैं कि एक श्री राम मंदिर, एक ऐसा
फैक्टर है, एक ऐसा मुद्दा है, मुद्दा नहीं श्री राम सबके लिए आराध्य हैं, पर वो एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो भी प्रवासी लोग रहते हैं तेलंगाना में उनके लिए भी वही मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ऐसा आपको लगता है? ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जी। दूसरा मुद्दा जो है जी, कि आज आप भी इतनी जगह जाते हैं, लोगों की धारणाएं सुनते हैं, हम भी मीडिया में देखते हैं जी। आज आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को लोग भगवान के रूप में देखते हैं जी। मैं तो देखता हूं जी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने साक्षात भगवान को देखा है, तो मोदी जी को देखा है। तो यहाँ पे तेलंगाना की राजनीति में मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम वोट्स भी बहुत बड़ी संख्या में है, तो क्या लगता है आपको, उनका एक मुश्त वोट जाएगा कांग्रेस की तरफ, या फिर उस वोट वो बंटवारा हो जाएगा, स्प्लिट होगा, जिससे कुछ भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ मिलेगा, या उनका वोट भी, कुछ उनका भी वोट एंड सपोर्ट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? इस बार मोदी जी के काम पर कई मुस्लिम बंधुओं से बात होती है, या हम टीवी में इंटरव्यू देखते हैं, उत्तर में देखते हैं, दक्षिण में देखते हैं, उनका झुकाव मोदी जी की तरफ बड़ा है। और ये बात भी सत्य है कि आज अगर घर बनाए मोदी जी ने 4 करोड़, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बनाया, उसमें सारे लोग लाभार्थी हैं। आज गैस कनेक्शन मोदी जी ने दिया है, तो जात और धर्म देख के नहीं दिया, हर किसी को दिया है। या बैंक में अकाउंट ट्रांसफर, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इस घर में दिया और इस घर में नहीं दिया, जितने भी गरीब है उनको दे रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं देश में लगभग 3-4 साल से, तो ये देख के नहीं कि ये टोपी वाला है या तिलक वाला है, हर एक भारत का नागरिक है, वो हमारा